गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन योर ऑनलाइन साइंस क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इंसेक्ट्स एंड वी विल रीड फ्रॉम पेज नंबर 43. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, इंसेक्ट्स. वी ऑल ऑफन सी मैनी टाइनी क्रिएचर्स सच एज हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा अराउंड अस. दीज आर नोन एज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ. हाँ जी बेटा, देखिए क्या बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे जो क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर्स होता है बेटा बर्ड्स और एनिमल्स, ठीक है, जैसे हाउसफ्लाइज हैं, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, अपने चारों ओर हम देखते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स. और जो इंसेक्ट्स हैं ये लार्जेस्ट ग्रुप हैं एनिमल्स का अर्थ के ऊपर. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम कॉमन इंसेक्ट्स विच वी सी अराउंड अस. नेम देम, कि हमने जो नीचे पिक्चर्स बनी हैं इनको देखना है, ठीक है, और ऑब्जर्व करना है कि ये कौन कौन से इंसेक्ट्स की पिक्चर बनी हुई हैं और उनके नाम भी लिखने हैं, ठीक है. तो फर्स्ट जो पिक्चर है ये किसकी है? हनी बी. सेकंड मॉस्किटो, थर्ड बटरफ्लाई और लास्ट बास्प, WASP, बास्प, ठीक है. ये बेटा आप अपने आप राइट ऑन करेंगे. नेक्स्ट आइए, देयर आर मोर देन अ मिलियन काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ. These include flies, mosquitoes, grasshoppers, butterflies, beetles and bees, etc. They differ in size, shape, color and many other features. कि अर्थ के ऊपर जो हैं millions kinds of insect पाए जाते हैं और इनमें हम includes करते हैं flies को, mosquitoes, grasshoppers, butterflies, etc. को. और ये जो insect हैं ये एक दूसरे से साइज़ में, शेप में, कलर में डिफरेंट हैं, ठीक है. नीचे देखिए पिक्चर बनी हुई है फ्लाइज की, तो इनके साइज़, शेप और कलर क्या है? डिफर है एक दूसरे से. इधर देखिए मॉस्किटोज़ बने हैं, ये भी डिफरेंट साइज़ और कलर शेप के हैं, ठीक है. इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स. All insects have three pairs of legs, that is 6 legs in all. Many of them have two pairs of membranous wings that help them to fly. कि insects की bones नहीं होती और all जो insects हैं उनके three pairs of legs होती हैं और total कितनी हैं? 6, ठीक है. और बहुत सारे जो insect हैं उनके टू पेयर्स ऑफ बींग्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं. सम इंसेक्ट्स ऑल्सो सिट ऑन द फ्लावर्स इन द गार्डन. कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं गार्डन में, ठीक है. नेक्स्ट पेज पे आइए. लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू ऑब्जर्व दिस. इसके लिए हम एक सिंपल एक्टिविटी जो है वो करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे. एक्टिविटी कीप सम फ्रेश फ्लावर्स इन वन पॉट एंड सम ब्राइटली कलर्ड फ्लावर पेपर फ्लावर्स इन अनदर पॉट. प्लेस बोथ द पॉट्स इन द बालकनी और बरांडा ऑफ योर हाउस. ऑब्जर्व देम फ्रॉम अ डिस्टेंस. डू यू सी एनी इंसेक्ट अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स? विच टाइप ऑफ फ्लावर्स डू दे विजिट? हाँ जी, देखिए एक्टिविटी में क्या करना है, दो पॉट लेने हैं, एक में फ्रेश फ्लावर्स रखने हैं और दूसरे पॉट में ब्राइटली कलर्ड पेपर फ्लावर्स रखने हैं. दोनों जो पॉट हैं उनको अपने घर की जो बालकनी है उसमें रखना है. उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि कोई इंसेक्ट जो है फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं, ठीक है. और साथ में ऑब्जर्व भी करना है कि कौन से फ्लावर्स को इंसेक्ट विजिट करेंगे, ठीक है. पिक्चर्स बनी हुई हैं इंसेक्ट्स की, बटरफ्लाई, हनी बी, बम्बली बी, ओके. इंसेक्ट्स लाइक
butterflies, honeybees and bumblebees get attracted towards fresh flowers. कि insects हैं butterflies, honeybees and bumblebees, ये जो हैं fresh flowers की तरफ attract होते हैं. These insects while visiting a flower also help in pollination. When insects sit on flowers, pollen grains stuck to their legs or wings and get transferred to another place. This process of shifting of pollen grains from one place to another is called pollination. ठीक है कि इंसेक्ट जो हैं जब फ्लावर्स के ऊपर बैठे होते हैं तो वो पॉलिनेशन जो एक प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करते हैं, और इंसेक्ट जो हैं फ्लावर्स के ऊपर से पोलन ग्रेन्स को स्टिक करते हैं अपनी लेग्स और विंग्स की विंग्स में, और कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं अनदर प्लेस में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पॉलिनेशन, कि शिफ्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कि जो पोलन ग्रेन्स हैं ये इंसेक्ट की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पॉलिनेशन. डू यू नो इंसेक्ट्स लाइक बी आंट्स एंड टर्माइट्स लिव इन वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज, दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स. कि इंसेक्ट जो हैं वो कैसे रहते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज में, ठीक है, और इन इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं सोशल इंसेक्ट. ओके नेक्स्ट है बेटा होमवर्क, और होमवर्क में आपने पेज नंबर 43 एंड 44 जो हैं इनको रीड करना है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है. इज़ इट क्लियर? ओके